हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्नवृत्ति तिमन। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं टेस्ट मेवाड़ के इतिहास का। टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो इसको पढ़ जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपका गलत तो नहीं होगा। तो सारा राजस्थान का जो जीके है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो उसके लिए संपूर्ण नोट्स जो हैं वो आप लोग तैयार करते हुए चलें। चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देंगे, एक भी प्रश्न जो है वो गलत तो नहीं होगा यदि आप मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे। ठीक है, तो आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो आपके एग्ज़ामों में, राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं और वहाँ पर राजस्थान के जीके में मेवाड़ से जो है जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो सभी यहाँ पर जो है वो मैं लेकर आई हूँ, ताकि आपको आइडिया लग सके कि जो भी आप पढ़ रहे हो तो इनको आप हल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि टॉपिक तो वही रहता है, मेवाड़ का इतिहास। यदि थर्ड ग्रेड में टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में टॉपिक है, तो प्रश्न तो ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी उठा लें और आंसर लिखते जाएँ कि ए जो वन जो प्रश्न है उसका क्या है। ए है ऑप्शन, बी है, सी है या डी है, लास्ट में बताइएगा। लास्ट में जो वीडियो था टेस्ट, मैंने आप लोगों का लिया था चौहान राजवंश का, तो लगभग सभी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। एक या दो मार्क्स जो ही कटे थे आप लोगों के, सबने बहुत अच्छा टेस्ट दिया था। वेल डन। इसी तरीके से जो है वो आप तैयारी करते हुए चलिए, धीरे 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 करके आपका जो है ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन 1। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 1। किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? तो 2020 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में प्रश्न पूछा गया ये। बप्पा रावल ने, महाराणा प्रताप ने, राणा सांगा ने या रतन सिंह ने? तो यदि आप वीडियो ही एक या दो बार ही आप लोगों ने सुना है, तो कितनी बार मैंने जो है ये चीजें रिपीट की है। ठीक है, यदि आप वीडियो में ही आप लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे तो भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए आंसर रहेगा बप्पा रावल। ठीक है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो ये 2 नंबर है प्रश्न। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो यह भी प्रश्न जो है वो पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर या चक्रपाणी मिश्र? तो यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में ही ये प्रश्न पूछा गया है, यानी और भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक ही चीज़ लिख दी गई है। ठीक है, ताकि पता लग सके कि ऐसे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो आंसर क्या रहेगा? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा यहाँ पर रहेगा, देखिए चक्रमाणि नहीं है, चक्रपाणि है ये। ठीक है, तो चक्रपाणि मिश्र जो है इसका सही आंसर रहेगा, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का। तो सभी के जो है वो आंसर सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? महाराणा प्रताप से देखिए प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। रीट के एग्जाम में देखिए हर बार महाराणा प्रताप से एक प्रश्न पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न पूछा ही गया है। मेवाड़ का इतिहास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इसके अलावा मारवाड़ का इतिहास भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो 9 मई 1542, 9 मई 1541, 9 मई 1540 या 1 मई 1540? तो मैंने आपको ये बताया था कि जन्म जो है वो गर्मियों में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो सर्दियों के माह में हुई थी। ठीक है, अब आप बताइए कि जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1540 में हुआ, 41 में हुआ या 42 में हुआ? तो ये तीसरा प्रश्न है आज के टेस्ट का, और इसका जो सही आंसर है वह है 9 मई 1540, और ये भी जो है वो सबका सही है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर पर प्रश्न, आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बार बार मैंने रिपीट किए हैं आपको। यदि आप मेरी आवाज़ ही अच्छे से सुनते हो तो आपको इनके सभी के आंसर जो हैं वो तुरंत पता लग जाएंगे, बिना ऑप्शन देखे। यानी क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाएगा इसका आंसर तो यही आएगा।
हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रश्न पढ़ते ही आंसर जो है वो आ भी गया होगा, मान सिंह प्रथम ने, जय सिंह ने, बहलोल खान ने या अमीर खान ने। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ उसके बाद रिवाइज जरूर करवाती हूँ ताकि आपको वीडियो में ही जो है वो पढ़कर याद भी वहीं पर हो जाए। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? मानसिंह प्रथम, जय सिंह, बहलोल खान या अमीर खान। तो क्या आपने जो है वो अमीर खान का नाम सुना था? बिल्कुल नहीं, बहलोल खान का नाम भी नहीं सुना, ठीक है, और जय सिंह भी नहीं थे नेतृत्व करने वाले, यहाँ पर थे राजा मानसिंह। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मालवा के सुल्तान को राणा सांग कुंभा ने कई बार पराजित किया था, ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का ही ये प्रश्न है। महमूद खिलजी, अब देखिए मेवाड़ से ही कितने प्रश्न पूछे गए हैं, महमूद खिलजी, होसंग शाह, दिलावर खान या बहादुर शाह। तो मालवा का सुल्तान था ये, इसका क्या नाम है जिसको महाराणा कुंभा ने पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा बिल्कुल, इसका सही आंसर रहेगा महमूद खिलजी, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, राणा हमीर, बप्पा रावल या क्षेत्र सिंह या खेता। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो मेवाड़ राज्य जो था वहाँ सबसे पहले गुहिल वंश का ही राज्य स्थापित हुआ था, ठीक है। तो अगर पूछे मेवाड़ राज्य स्थापित किया गया किस शासक के द्वारा, तो भी बप्पा रावल आएगा। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था, तो भी इसका आंसर आएगा बप्पा रावल, ठीक है। चित्तौड़ के किस राजा को परास्त कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था? तो बताइए चित्तौड़ का कौन सा राजा था जिसको हरा के बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया? मौर्यवंशी राजा धवल, मौर्यवंशी राजा महेश, मौर्य राजा मान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या रहने वाला है आंसर? क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखिए बप्पा रावल जो हैं इन्होंने चित्तौड़ के मान मौर्य को पराजित किया था, ठीक है, और उनको पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा है? मौर्य वंशीय राजा मान। तो ऐसे भी एग्जामिनर जो है वो आपको दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपने जो है धवल जो है इसको पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार नहीं किया बप्पा रावल ने, ना ही महेश है, ठीक है, तो राजा मान इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बप्पा रावल ने निम्न में से किसे मेवाड़ की राजधानी बनाया था? चावंड को बनाया था, खमनोर को बनाया था, कुंबलगढ़ को या नागदा को अपनी राजधानी बनाया था? चित्तौड़ को इन्होंने सबसे पहले जीता था, चित्तौड़ पर अधिकार किया था, लेकिन चित्तौड़ को राजधानी नहीं बनाया, मेवाड़ की राजधानी इन्होंने किसे बनाया था? तो सही आंसर क्या रहेगा कि बप्पा रावल जो हैं इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। बप्पा रावल से प्रश्न जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये 9 क्वेश्चन है। बप्पा रावल की समाधि जो है वो नागदा में स्थित है। नागदा में भगवान विष्णु को समर्पित सहस्त्रबाहु या सासबहु मंदिर जो है यहाँ स्थित है नागदा में, उदयपुर में। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बप्पा रावल के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण किया था।
मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसमें से तीन बिल्कुल सही हैं और एक गलत है। वो गलत आपको ढूंढना है, फटाफट से ढूंढिए। तो बहुत ही जो है सिंपल सा प्रश्न है ये, यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। देखिए, बप्पा रावल की समाधि जो है वो नागदा में स्थित है। राजधानी बनाया था इसको इन्होंने, ये सही है बिल्कुल, यहीं पर इनकी समाधि है। नागदा में भगवान विष्णु को समर्पित जो मंदिर है, सहस्त्र बाहु मंदिर है, किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। ठीक है, मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। बिल्कुल, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बप्पा रावल के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, ये गलत है। और यही आपका उत्तर है, गलत आपसे पूछा गया है, क्योंकि इल्तुतमिश ने जब आक्रमण किया था तो उस समय यहाँ पर कौन थे? जैत्र सिंह थे। ठीक है, जैत्र सिंह के समय जो है इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, आपको याद आया होगा, हमीद मद मर्दन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10। मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था? गोहिल वंश की समाप्ति के बाद सिसोदिया वंश आता है मेवाड़ में। प्रथम शासक कौन था? राणा हमीर थे, मोकल थे, राणा लाखा थे या कुंभा थे? कौन थे सिसोदिया वंश के पहले शासक? इनमें से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, यदि आप वाकई में पढ़ाई कर रहे हो ईमानदारी से, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मेरे द्वारा एक भी प्रश्न नहीं बनाया गया है, ये सब प्रश्न जो है वो आपके एग्जामों में ही आए हुए हैं। तो इसका सही आंसर जो है रहेगा राणा हमीर। ठीक है, हमीर सिसोदिया राणा, जो कि अपने नाम के आगे क्या लगाने लगे थे? राणा लगाने लगे थे। तो इसका आंसर होगा प्रथम शासक सिसोदिया वंश के राणा हमीर। ठीक है, और सभी का सही भी है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही सभी जो है वो अपने आंसर करते जाएं, एकदम सही। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ? रतन सिंह के समय, अल्लट के समय, जैत्र सिंह के समय या बप्पा रावल के समय? तो ये सभी जो हैं वो गोहिल वंश से संबंधित हैं शासक। तो बताइए कि चंगेज खां का जब आक्रमण होता है तो उस समय कौन शासन कर रहे थे मेवाड़ में? तो देखो, जैत्र सिंह का हमने पढ़ लिया था अभी, इल्तुतमिश जो आक्रमण करता है यहाँ पर। ठीक है, तो जैत्र सिंह के बारे में हमने नहीं पढ़ा कि यहाँ चंगेज खां का आक्रमण हुआ। बप्पा रावल के समय भी आक्रमण नहीं होता है, और अलर्ट के समय, या आलू रावल इनको कहते हैं, ठीक है, इनके समय भी नहीं होता है। आंसर क्या होगा? रतन सिंह, जो कि गुहिल वंश के अंतिम शासक कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखो 12। मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के बाद मेवाड़ का गुहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? इसका आंसर तो मैंने ही दे दिया अभी आपको, कि मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के बाद मेवाड़ का गुहिल वंश जो है इसका स्थान ले लेता है सिसोदिया वंश। सिसोदा गांव में रहने वाले लोग सिसोदिया वंश के कहलाए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया, आपने ध्यान से सुना होगा। बताइए इसमें से क्या सही ऑप्शन? ए रतन सिंह, ऑप्शन सी जैत्र सिंह, मोकल या कुंभकर्ण? तो अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण होता है यहाँ पर, वो किसके शासनकाल में होता है? और उसके बाद गुहिल वंश जो है वो सिसोदिया वंश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका जो सही आंसर होगा रतन सिंह। तो आपको याद आया होगा पद्मावत, मोहम्मद जायसी, ठीक है, और पद्मावती। तो रतन सिंह जो है इनकी मृत्यु के बाद जो है वो गुहिल वंश जो है सिसोदिया वंश में परिवर्तित तो हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदलकर खिजराबाद किया? अब यहां ध्यान देना है, खेराबाद भी इसने बदला था, ठीक है, और खिजराबाद भी रखा था। तो खिजराबाद और खेराबाद ये दोनों एक जैसे लगते हैं। यहां पर पूछा है कि खिजराबाद
रखा था उसका नाम किसका, उदयपुर का रखा था बदलकर, प्रतापगढ़ का, चित्तौड़गढ़ का या भीलवाड़ा का? तो ये 13 प्रश्न है, तो 13 लिखकर और उसके आगे जो है ऑप्शन लगाएं कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि खेराबाद नाम जो है वो किसके स्थान पर रखा उसने? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खिजरा नाम बाद जो है किसको बदल कर रखा था, चित्तौड़ को। ठीक है, चित्तौड़ का नाम जो है बदल कर रख दिया था खिजरा बाद। अब खेराबाद किसका नाम रखा था, शिवाणा का। ठीक है, शिवाणा का नाम बदल कर क्या रख दिया था, खेराबाद रख दिया था। गोरा बादल वीर सेना नायक किसके सेनापति थे? तो जब एग्जाम में हमें बहुत आसान प्रश्न मिल जाते हैं तब भी हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ये तो पढ़ा है कि गोरा बादल जो है वीर सेना नायक थे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो है युद्ध करते हुए मारे भी गए थे, लेकिन हमने राणा हमीर के बारे में भी पढ़ा है मेवाड़ में, लाखा के बारे में भी पढ़ा है, मोकल के बारे में भी पढ़ा है और राणा रतन सिंह के बारे में भी पढ़ा है। सेनापति किसके थे आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो फटाफट से जो है वो आंसर करें, 14 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। और देखिए यदि आपको बहुत आसान लग रहे हैं प्रश्न तो ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में, टॉपिक वही रहता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा कि गौरा और बादल जो है वो रतन सिंह के सेनापति थे। गौरा बादल की छतरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़ दुर्ग में, जालौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में या गागरौन दुर्ग में? तो ऑप्शन में ही आपको जो है आंसर मिल जाएगा, बहुत ही आसान है। गौरा और बादल जो है वो रतन सिंह के सेनापति थे। ठीक है, अब रतन सिंह जो है वो कहाँ के शासक थे, तो आपको याद है बहुत अच्छे से, इसका आंसर जो है किसी का भी गलत नहीं हो सकता, इसका आंसर है चित्तौड़ दुर्ग में। राणा सांगा व बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया? कॉलेज व्याख्या था, देखिए फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है 2014 में। हल्दी घाटी, राती घाटी, खानवा, पानीपत। फटाफट से जो है इसका आंसर दें। राणा सांगा और बाबर, इनके बीच में ऐतिहासिक युद्ध जो है लड़ा गया, कहां पर लड़ा गया? तो बहुत ही फेमस युद्ध है ये, हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। ठीक है, राणा सांगा के बारे में पूछा है ये तो वैसे ही कट गया। पानीपत का युद्ध ये भी कट गया। ठीक है, अब सबसे ज्यादा आपने जो है किसके बारे में सुना है, खानवा के युद्ध के बारे में सुना है, बाबर के साथ जो है राणा सांगा का हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था खानवा के मैदान में। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि जन्म आपको याद है, मृत्यु आपको याद है। राज्य अभिषेक कब हुआ था अगर आपको ये याद है तो आप इसका आंसर बता पाओगे। कॉलेज व्याख्या था 2007 का ये प्रश्न है। 22 वर्ष, 27 वर्ष, 24 वर्ष या 31 वर्ष? तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म, मृत्यु, राज्याभिषेक, ये तीनों डेट जो है वो आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, 24 वर्ष। ठीक है, बहुत जो है इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? राणा मोकल सिंह, महमूद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या राणा कुंभा? प्रश्न देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, कुंभलगढ़ त्योहार के बारे में। ठीक है, कुंभलगढ़ का संबंध जो है वो किससे है?
यहां पर इन चारों ऑप्शन में अगर देखें तो ये संबंधित है राणा कुंभा से, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? 1986-87 के दौरान, 1992-93 के, 1982-83 के दौरान, या 1989-90 के दौरान? तो इस प्रश्न का जो है उत्तर आपको मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर है 1982-83 के दौरान, ठीक है। और इसको जो है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? तो देखिए ये प्रश्न जो है महाराणा प्रताप से संबंधित प्रश्न है ये, और पुलिस कांस्टेबल 2020 में फिर से ये प्रश्न पूछा गया मेवाड़ के इतिहास से ही, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया। तो इसका क्या रहेगा आंसर? 1518, 1528, 1576 या 1542? किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया? तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? 1576, और ये सभी का सही है। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? तो मंडन ने, मंडन की जितनी भी कृति हैं, रचनाएं हैं, वो मैंने आपको सभी लिखवाई, ठीक है, याद भी करवाई, और एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, प्रसाद से संबंधित ट्रिक जो है वो बताई थी, आपको याद आ गई होगी। तो सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? तो आपको वो सभी याद है इनकी रचनाएं। तो यहाँ कौन सी रचना आपने नहीं पढ़ी थी? प्रसाद मंडन, वास्तुशास्त्र, व्यवहार दर्श या वास्तु मंजरी? तो सोचिए इसका सही आंसर क्या रहेगा, कि मंडन के द्वारा कौन सी कृति नहीं है इनमें से? तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर रहेगा प्रसाद मंडन, मंडन का ही है। वास्तुसार इन्हीं की रचना है, व्यवहार दर्श भी है, वास्तु मंजरी नहीं है। मीराबाई डैस सदी की कवित्री थी, किस सदी की थी? 16वीं, 18वीं, 19वीं या 14वीं? यदि आपको इनका जन्म और मृत्यु के बारे में पता है तो आप इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो यदि आपको सही से जो है नहीं पता है ईयर, इतना तो पता ही है कि 1498 के लगभग जो है इनका जन्म हुआ, ठीक है, 1547 में जो है इनकी मृत्यु हुई, तो ये 16वीं सदी की कवित्री कही जाती है। महाराणा प्रताप सिंह ने 1889 में डैस के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कन्नोट बांध का निर्माण कराया था। तो किसके दौरे के उपलक्ष्य में करवाया? महाराणा फतेह सिंह ने, रानी विक्टोरिया, राजकुमारी लुइस मार्गेट, रॉबर्ट वॉर्डन या ड्यूक ऑफ कनॉट? तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है उन्हीं के नाम पर जो है वो बांध का नाम भी रखा गया, तो इसका तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबका ही सही जाएगा ऑप्शन डी, ड्यूक ऑफ कनॉट के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर जो है वो बांध बनवाया फतेह सिंह ने, और क्या नाम रखा? कनॉट बांध। नेक्स्ट देखें, राजपूताना की 19 रियासतों में से सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़, आमेर, मारवाड़ या झालावाड़? तो हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ के बारे में, तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल मेवाड़ ही रहेगा। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये बिल्कुल रिपीट है, अल्लट, गुहादित्य, जैत्र सिंह या बप्पा रावल? तो बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो देखिए एक ही जो है वो आंसर है, लेकिन तीन तरीके से पूछा गया। कैसे पूछा गया? मेवाड़ राज्य जो है वो स्थापित किसके द्वारा किया गया, तब भी आपके लिए यही आंसर रहेगा, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, गुहिल वंश का जो है संस्थापक कौन रहा है, तब भी वही आंसर रहने वाला है। तो क्या रहेगा आंसर? रहेगा बप्पा रावल, ठीक है। मेवाड़ का बप्पा रावल निम्न में से किसका परम भक्त था? विष्णु, ब्रह्मा, शिव या राम? तो बप्पा रावल के बारे में आपने एक चीज पढ़ी थी कि बप्पा रावल ने जो है
एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो अब जो है चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या रहेगा, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, शिव या राम? तो बिल्कुल आंसर रहेगा भगवान शिव। ठीक है, हारित ऋषि के आशीर्वाद से किसे मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई थी? तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, हारित ऋषि ने ही आशीर्वाद दिया था और जिस वजह से मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। तो ये फिर से रिपीट हो गया है, क्वेश्चन जो है वो बदल कर पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर तो यही पता लग जा रहा, आपको लग जा रहा है कि मेवाड़ राज्य जो है किसको प्राप्त हुआ था सबसे पहले, वप्पा रावल को हारित ऋषि की आशीर्वाद से। ठीक है, चित्तौड़ के मान मोरे को पराजित करके। वप्पा रावल ने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? तो देखिए, शिव को समर्पित है ये मंदिर, खमनोर में, गोगुंदा में, कैलाशपुरी में या मंडोर में? तो आज हमने काफ़ी प्रश्न जो है वो किए हैं मेवाड़ से संबंधित। तो एक तरीके से जो है टेस्ट लेने का क्या मतलब होता है कि आप लोगों की रिवीजन हो जाती है। ठीक है, और प्रश्न जो है वो सब सही कर लेते हैं तो ये भी हो जाता है, माइंड सेटअप हो जाता है कि हाँ हमारा ये टॉपिक क्लियर है। क्या रहेगा आंसर इसका? तो इसका आंसर जो रहेगा वह रहेगा कैलाशपुरी। ठीक है, तो बताइएगा आज आपने कितने प्रश्न जो हैं वो सही किए हैं। तो आज हमने जो है 27 प्रश्न किए। कितने किए? 27 प्रश्न किए। ठीक है, 27 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं आप बताएंगे, और टेस्ट आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। इसी तरीके से मन लगाकर जो है वो लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहें। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो कि आप क्लियर नहीं कर पाओ, यदि आप रेगुलर पढ़ाई करते हो और आप लोग जो है वो हर चीज़ को कंप्लीट पढ़ते हो। ठीक है, जब आप पूरा पढ़ोगे तभी एग्ज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से निकाल पाओगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां हम मारवाड़ जो है वो स्टार्ट करेंगे और पूरा जो है टॉपिक मैं आप लोगों को करवाऊंगी मारवाड़ का। अंत में इसी तरीके से जैसे हमने चौहान राजवंश कर लिया, मेवाड़ राजवंश के प्रश्न हमने हल किए और ऐसे ही हम मारवाड़ के भी करेंगे। जैसे ही सभी राजवंश आपके हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड ग्रेड में भी आपके कंप्लीट राजवंश जितने भी राजवंश हैं वो सभी आपको करने हैं, और सेकेंड ग्रेड में भी हैं आपके। ठीक है, और उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।